आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ना मुस्तकम हो सकता है ना उसकी तामीर मुकम्मल हो सकती है जब तक कि पाकिस्तान जुग्राफियाई और नजरियाती एतबार से मुकम्मल ना हो। और वो उसी सूरत में होगा जब रियासत जम्मू और कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए आजादी की जद्दोजहद जारी है। भारत की साजिशों उसकी मक्कारियों के खिलाफ आपको मालूम है जब शहर पाकिस्तान उसके हाथ में है और आपकी जरिए शहर आपकी बाशी शहर आपकी आबी शहर ये दरियाओं का पानी रोकने के लिए वो डैम्स पे डैम्स बना रहा है। इस वक्त भारत हमारी मशरक मशरत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। उसने एक इक्तसादी जंग एक इक्तसादी दहशतगर्दी इस खत्ते पर मुसल्लत कर रखी है। इन हालात में भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देना ये कश्मीरी स्वदा के खून के साथ गद्दारी है। मैं समझता हूँ जंगी बदर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके कायद ने तो कहा था कि हमें भारत से 1000 साल तक जंग लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। और आज उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत अगर उस भारत को जिसके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे दी तो ये हम सबके लिए लम्हा है।